असलकुम आज हम जानेंगे कि ई डी एस लॉगिन किस तरह से करें और ई डी एस लॉगिन करने के बाद जो ट्रांसफ़र के तलुक़ से वेटेज इस्कोर तमाम बी ओ में बिठाया गया है उस वेटेज स्कोर को किस तरह से चेक करें और वेटेज इस्कोर में अगर कुछ फ़र्क आया है यानी कि कुछ गलती हुई है तो हम लोग किस तरह से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करें इसके ताल्लुक़ से आपको जानकारी दूंगा मैं तो सबसे पहले हम गूगल में ई डी e एस ई डी एस लॉगिन देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर टाइप करने के बाद ई डी एस लॉगिन पर क्लिक करेंगे ई डी एस लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एम्प्लई डेटा सिस्टम बोल के होम पेज खुला है तो यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं एम्प्लॉय ऑफिस और आखिर में स्कूल तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम पूछा जा रहा है तो यूज़र नेम का मतलब होता है हमारा फर्स्ट के नंबर यहाँ पर मैं के नंबर टाइप कर रहा हूँ के जेडी नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड पूछा जा रहा है ऑलरेडी मैंने पासवर्ड क्रिएट करके रखा है यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर एट सिक्स फोर फोर वन कैप्चा पूछा जा रहा है यहाँ पे जो साइड में कैप्चा दिया गया है एट सिक्स डबल फोर वन आप जितनी मरतबा लॉगिन करने जाएंगे यहाँ पर नया कैप्चा आएगा तो उसी कैप्चा को यहाँ पर टाइप करना होगा अगर आप पहले पासवर्ड क्रिएट नहीं किए तो आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड बोल के जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है तो अपना के नंबर पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन दूंगा देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो मेरा मेरे प्रोफाइल ओपन हुई है यहाँ पर नेम केजड़ी केजड़ी नंबर और स्कूल का एड्रेस स्कूल का नाम वग़ैरह क्या है यहाँ पे नज़र आ रहा है ये था ईडीएस डी लॉगिन करने का तरीका तो इसके बाद हमारे को ईडीएस डी करने के बाद अपना वेटेज स्कोर चेक करना है तो सबसे पहले हम रेज वेटेड स्कोर ऑब्जेक्शन जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वेटेड स्कोर ऑब्जेक्शन फॉर्म वेटेड स्कोर डिटेल्स बोल के यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर देखिए के नंबर नेम प्रजेंट स्कूल, तमाम चीज़ों को डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइनिंग तमाम चीज़ों को क्या है डिपार्टमेंट के जानेब से पी में मेंशन किया गया है और यहाँ पर देखिए वेटेज स्कोर आपको किस तरह दिया जा, दिया जाता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा अगर आप ए जोन में काम करेंगे तो साल को एक पॉइंट मिलेगा बी जोन में काम करेंगे दो तो दो पॉइंट मिलेंगे इसी तरह से सी जोन में काम करेंगे तो एक ईयर के लिए थ्री पॉइंट्स तो इस तरह से हुकूमत की जानब से आर्डर किया गया है ए बी सी थ्री जोन है तो यहाँ पर देखिए ए ज़ोन में क्या है ज़ीरो ज़ीरो बता रहा है क्यों बोले तो वहाँ पे मैं वर्क नहीं किया हूँ इसी तरह से बी जोन में भी क्या है ज़ीरो ज़ीरो बता रहा है ए और बी जोन में मैंने काम नहीं किया वर्क नहीं किया तो इसीलिए लिए वहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो बता रहा है इसी तरह से अगर आखिर में देखेंगे तो सीज़न में जो है बारह बारह यानी कि जो बारह ईयर बारह साल काम किए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ईयर को थ्री पॉइंट तो बा, बारह ईयर के थर्टी सिक्स पॉइंट हो गए अब उसके बाद एडिशनल जो पॉइंट यानी कि बोनस पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं अगर आप एक ही स्कूल में तीन या चार साल कंटिन्यू वर्क करते हैं तो आपको एक बोनस पॉइंट दिया जाता है तो थ्री पॉइंट मेरे को बोनस पॉइंट मिले है, के 36 3, 39 के हैं यानी कि थर्टी सिक्स प्लस थ्री थर्टी नाइन मेरे टोटल पॉइंट्स देखे यहाँ पर बारह साल काम करने के बाद थर्टी नाइन पॉइंट मेरे टोटल पॉइंट्स मिले हैं मेरे को ये तमाम चीज़ें सही रहने की वजह से मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपके जो भी डिटेल्स है वेटेज स्कोर का जो डिटेल्स है इसमें आप एक मरतबा अच्छी तरीके से चेक कीजिए चेक करने के बाद अगर आपको कुछ गलती नज़र आती है जैसा कि डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ जॉइनिंग है या तो वेटेज स्कोर में वगैरह अगर कुछ गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसा कि फर्स्ट वन है डेट ऑफ एंट्री इनटू करेंट यानी कि फ्लैक्ट आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए डेट ऑफ जॉइनिंग प्रजेंट कैडर डेट ऑफ जॉइनिंग सर्विस डेट ऑफ जॉइनिंग प्रजेंट स्कूल यहाँ पे देखिए मैंने इस स्कूल को आकर तकरीबन इस तारीख पे आया चौबीस नवंबर दो हज़ार सोलह तो यहाँ पर अगर कुछ गलती है तो इस ऑप्शन पे लेफ़्ट साइड जो एक स्क्वायर ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ओपन हो गया यहाँ पर हम रिमार्क लिखेंगे यानी कि डेट वगैरह कुछ गलती हो गई है तो आ, रिमार्क लिखेंगे रिमार्क रिमार्क लिखने के बाद यहाँ पे चूस फाइल बोल के है उस पर क्लिक करेंगे तो आप आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं सर्टिफिकेट्स हैं तो कैमरा भी कर सकते हैं या तो आपने आप पहले आ, कुछ कैमरा करके रखे हैं तो आपके गैलरी में होगा यहाँ पे फाइल्स बोल के जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को क्या है डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह से नंबर टू डेट ऑफ एंट्री इंटू कैडर अगर इसमें कुछ गलती है गलती हुई है आपके डिटेल्स में इस्कूल डिटेल्स में अगर अगर कुछ गलती हुई है तो इस ऑप्शन को ये करें अप्लीकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे इसी तरह से तीसरा पॉइंट डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ गलती है यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन दिया है यहाँ पे दिया है देखो डेट ऑफ बर्थ मेरा जो है बीस जुलाई उन्नीस सौ अट्ठासी है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है गलती हुई है तो आप इस पर क्लिक करके रिमार्क लिखेंगे लिखने के बाद यहाँ पर आपको टेंथ एस एल सी कार्ड की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा थर्ड वन जो है इसके लिए आपको एस एल सी कार्ड क्या है अपलोड करेंगे अगर आपका फोर्थ वन स्कूल जोन इज़ इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पर तीन जोन दिए गए हैं ए बी सी अब मैं फ्लक्ट सी जोन में काम कर रहा हूँ तो सी जोन में ही मेरे वेटेज पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं अगर आप सी जोन में काम करते हुए बी जोन में आपका विटेज स्कोर दिखाई दे रहा है या ए में दिखाई दे रहा है यानी कि सी के बदले ए बी में दिखा रहा वेटेज स्कोर बोले तो आप क्या कर सकते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर रिमार्क लिखेंगे रिमार्क लिख कर यहाँ पर उसके ताल्लुक़ से आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे करने के बाद आखिर में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो जो आप आप जो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करते हैं वो ऑब्जेक्शन जो है बीओ बीओ लॉगिन में चले जाएगा बी ओ लॉगिन में चले जाने के बाद आपके केस वर्कर उसको वेरीफाई करेंगे अगर सही में आपकी आप जो ऑब्जेक्शन करे हैं अगर वो सही है तो आप बिल्कुल आपके ई डी एस जो वेटेड इसको डिटेल्स इसमें जो है करेक्शन किया जाएगा अगर इसके ताल्लुक़ से अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा।